हर साल 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े के लिए वैलेंटाइन डे किसी त्योहार से कम नहीं है। वैलेंटाइन डे से पहले वैलेंटाइन वीक होते हैं जो 7 से 14 फरवरी तक चलता है। यह प्रेमी जोड़े के लिए प्यार का सप्ताह होता है। वैलेंटाइन डे के खास मौके पर प्रेमी जोड़े एक दूसरे को कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रिश्तों में मिठास या कड़वाहट पैदा करने में तोहफे की अहम भूमिका होती है। ऐसे में आप भी इन खास बातों का ध्यान रखें। वैलेंटाइन डे पर भूलकर भी चीजें गिफ्ट ना करें। ताजमहल। ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, इसलिए वैलेंटाइन डे पर लोग इसे गिफ्ट करते हैं। लेकिन ताजमहल के शोपीस को गिफ्ट ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये एक मकबरा है और वास्तुशास्त्र में मकबरा या कब्र जैसी चीजों का संबंध नकारात्मक से बताया गया है। लाइटर। वैलेंटाइन डे के लिए मार्केट में कई तरह के कलात्मक लाइटर मिलते हैं, जिसे गिफ्ट कर आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार लाइटर या आग से संबंधित कोई भी चीज उपहार स्वरूप देने से रिश्ते में तनाव की स्थिति पैदा होती है। पेन या घड़ी। उपहार के लिए पेन और घड़ी को बहुत कॉमन माना जाता है। यह लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बेस्ट होता है, लेकिन घड़ी या पेन गिफ्ट करना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। काले रंग के कपड़े। अगर आप वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को ड्रेस गिफ्ट करना चाहते हैं तो भूलकर भी काले रंग के कपड़े गिफ्ट ना करें। इसके अलावा पार्टनर को जूते भी गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। रुमाल। रुमाल गिफ्ट करने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं या झगड़े हो सकते हैं। पार्टनर या फिर पति पत्नी को कभी भी रुमाल गिफ्ट ना करें। फेंग शुई के अनुसार रुमाल गिफ्ट करने से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सबसे जरूरी, वैलेंटाइन डे पर डूबते जहाज की फोटो, धारदार या नुकीली चीजें, नटराज की मूर्ति, कांटेदार पौधे, हिंसात्मक या डरावनी पेंटिंग भी गिफ्ट करने से बचें।